उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन में यह सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती नहीं, होगी, ये लिख दिया, ये फैसला आ चुका है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। पहले जो सादिक और अमीन करार दिया गया था वो तो आज साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था और नहीं है, और इसी तरीके से आज इसको 62 और 63 क्या बात है। जब 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये 62 और 63 को आसमान पे ले जाते हैं और कहते हैं 62 और 63 तो बहुत अच्छा कानून है। और किस पे फैसला आया था आप सबको पता है, बार बार दोहराना पड़ता है, अपने बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में। खैराती माल नहीं खाया मियां नवाज शरीफ ने, मियां नवाज शरीफ ने खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाया, उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लेके अपनी जेबों में नहीं डाले। इमरान खान उसने सिर्फ अपने बेटे से सैलरी नहीं ली जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात महल करार दिया गया। अगर इसमें किसी को शक है तो आप में से कोई हमें मुनाजरा करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि पाकिस्तान की इस 74 साल तारीख के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो शख्स ये कह सकता हो कि उसके बारे में ठप्पा लगाओ, कैदों में तो डाले गए, जला वतन तो किए गए, फांसी तो दी गई, लेकिन बड़ी बात है जो मैंने पहले की थी और आप फौजिया साहिबा ने भी की है कि जो शख्स दुनिया के अंदर झूठ बोलता है या जो अपने आप को छुपाता है वो जब तक दुनिया में एक्सपोज नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता, ये अल्लाह ताला का असूल है। तो ये 3-4 चीजें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको कैबिनेट के हवाले से बताई हैं कि इसको वसी किया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और खास तौर पे वो कल अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जाना था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उस वक्त वो कह रहे थे कि हम जाएंगे जाके तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो हंसी आती है और लोग भी अब थक गए हैं कि खुद मासूम बैठे हुए घर में और लोगों को कहते हैं जाके आंसू गैस और लाठीचार्ज खाएं और वहां पे जाके F9 में एहतजाज फिर आ गए। तो माइका लाल इतना दलेर था तू तो फिर आता रेड जोन में, आते रेड जोन में, रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करते हैं, हम मान जाते हैं आपको, आप इतने दलेर नहीं है, आप लोगों के बच्चों से उनके खून से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आपकी नाकाम होगी, इस पे आप किसी तौर पे कामयाब नहीं होंगे, आप सर्टिफाइड झूठे करप्ट, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपकी पार्टी जो है ये साबित हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडेड है, आप फॉरेन एजेंट हैं, ये मैं नहीं कहता था, यकीन माने अगर हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद, अगर ये दो क्रेडिबल लोगों ने आज से 30 साल पहले कहा है तो ये कैसे झूठ हो सकता था, ये कैसे झूठ हो सकता है। दोनों की क्रेडिबिलिटी में पूरी पाकिस्तानी कौम को कोई शक नहीं था, और ये अमेरिका की मुखालफत करता है, एब्सोल्युटली नॉट, वो बड़ा अच्छा आजकल लिखो एब्सोल्युटली फ्रॉड, क्यों सुन ले आप भी, 30 गाड़ियां ली है कल US एम्बेसडर से पिशावर के अंदर, इनके वजीर आला ने 30 गाड़ियां ली हैं, और बेशरम आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कौम को बेवकूफ बनाते हो, तुम उसके एम्बेसडर से 30 गाड़ियां ले रहे हो, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, 36 ली हैं, 6 कम बता दी मैंने, 36 गाड़ियां ली हैं। अब ये निकलेगी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये एक और मैं आप ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं, हो सकता है अमेरिका ने इसको कहा बोली जा साढ़े खराब, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो और पैसा भी लिए जा, गाड़ियां भी लिए जा, ये निकलेगा एजेंट अमेरिकन, ये निकलेगा एजेंट, मैं आपको यकीन माने कि फॉरेन एजेंट ये तो साबित हो चुका है, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका को गालियां देना, दूसरी तरफ अमेरिका से गाड़ियां लेना, अमेरिका से पैसे लेना, अमेरिकन नेशनल से पैसे लेना, इसराइलियों से पैसे लेना, हिंदुस्तानियों से पैसे लेना। अच्छा जी आप वो अमरीका की नेशनल है जी, भाई हिंदुस्तानी निजात अमरीका, आप पाकिस्तानियों पर क्यों बार बार डालते हो, आप मामे लगते हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, हम कुछ नहीं लगते, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन 34 लोगों की बात कर रहे हैं जो गैर मुल्की साबित हो चुके हुए हैं, हम आपके 13 बेनामी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, हम आपके 4 जाती मुलाजमीन की बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आए हैं। आप बच्चों की तरह कभी राइट चले जाते हैं, कभी लेफ्ट चले जाते हैं, और लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ है, नहीं ऐसे नहीं होगा, अब आपको एक एक पैनी का हिसाब देना होगा, इतना बड़ा महल कैसे चलता है, एक किनार का घर चलाने के लिए 24 साल की कारोबारी जिंदगी चाहिए या 30 साल की कारोबारी जिंदगी चाहिए।
तो 350-400 करार का घर कैसे चलता है, गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां कैसे आती हैं आपकी, ये सारी आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी और पूरी कौम को बताया जाएगा। और अगर ये हुकूमत पूरी कौम बताने में नाकाम होती है तो फिर ये नाकामी इसकी होगी। अब जो फैसले करने थे अदारों ने फैसले कर दिए हैं और ये फैसलों की सूरत के अंदर हम कोर्टों में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। आप तोशाखाना की घड़ी बेच जाएं तो आप मासूम हैं, आप लोगों का ज़कात सदकात का पैसा खा जाएं आप मासूम हैं। आप कैसे मासूम हैं? आप मासूम नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बहुत जल्द जो है कौम के सामने आएंगी।